Hi, hi. <clears throat> hi, you are watching The Savera. This is Amarpal Singh before you. The Modi government had approved a new pension scheme on Saturday called the Unified Pension Scheme, which will come into effect from April 1, 2025. However, 24 hours after its approval, the pole bound Maharashtra became the first state after Maharashtra cabinet approved to implement the UPS scheme as per central government the ups scheme has the advantages of the previous old pension scheme as well as the features of the new pension scheme moreover the ups has provision for a fixed pension amount a guaranteed and predetermined sum of money that a retiree will receive regularly after retirement as per ups scheme all central government employees who have served for 25 years or more will receive 50% of their last drawn salary from the past 12 months as pension. Additionally, those employers will also be eligible for post retirement infl inflation linked increments in their pension amount. However, opposition parties are opposing the unified pension scheme. Moreover, they were queuing up. To bring back old pension scheme, AAP leader Sanjay Singh even said UPS is worse than NPS. Even Congress national president Malika Arjun kharge had wrote on X: "The U in UPS stand for Modi government's U-turn. Post June 4, the power of people has prevailed over the arrogance of power of Prime Minister." इट इज पर्टीनेंट टू मैंशन दैट एनपीएस वॉज इंप्लीमेंट बाई अटल बिहारी वाजपेई लेट एनडीए गवर्नमेंट ऑन जनवरी वन टू थाउजेंड फोर सो लेट्स यू सी हाउ डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स दे आर रिएक्टिंग ऑन यूपीएस देखिये ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं पहली बात तो ये कि आप 10 प्रतिशत कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर पीट रहे के आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम एक साल की जो सैलरी होगी उसमें से छह महीने की सैलरी एक मुफ्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी मान लीजिए बारह लाख है एक साल की सैलरी तो छह लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी चालीस साल अगर उसने नौकरी की है और दस प्रतिशत की कटौती उसकी हुई है हर महीने आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं इसी में से आपको पेंशन देंगे तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं पहली बात कौन सा एहसान आप कर रहे हैं दूसरा आपने क्या किया इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है 25 साल की नौकरी अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं मैं अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की तो आप उनको कितना देंगे दस हजार रुपए महीने उनका पेंशन होगा दस हजार रुपए महीने देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए संसद भवन की रक्षा करते हैं हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है आप मुझे बताइए आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है दो बात हो गई तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50 प्रतिशत आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है उसका बेसिक्स है उसका उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप उसमें तो कर्मचारियों से कोई कुछ नहीं लिया जाता था बावजूद इसके पेंशन मिलती थी तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है देखिए ऐसा है कि यूपीएस के बारे में स्पष्टीकरण देने का टाइम आ गया है कल तक हम अध्ययन करते रहे आज सबसे पहले यूपीएस के बारे में बोलेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारी का हर महीने दस परसेंट उसके वेतन से कट करके सरकार के कार्प फंड में जमा होगा और सरकार भी अपने तरफ से साढ़े अठारह परसेंट देगी कुल मिला के साढ़े अट्ठाईस परसेंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पेंशन होगा लेकिन पच्चीस साल होने पर या उसके बाद में जब रिटायरमेंट हो रहा है तो बेसिक सैलरी का पचास परसेंट ही पेंशन मिल रही है तो उसका जो दस परसेंट हर महीना कट रहा है पेंशन के लिए सरकार उसको तो हड़प ले रही है तो क्या है तो एक तरह से चीटिंग करने का कार्य किया है कि एनपीएस और ओपीएस के बीच झगड़ा था अब बीच में यूपीएस खड़ा कर दिया तो इसका जवाब हो दे तो एक तरह से ठगी करने का काम किया कांग्रेस ने ठगी करने का काम नहीं किया एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले दिया इससे जो कर्मचारी नेता हैं, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल इससे सहमत नहीं है कि उनका पैसा एक तरह से लूट लिया जा रहा है सरकार में उसकी जवाबदेही है सरकार के पास मुद्दा अभी भी बना रहेगा जैसे मैं कह रहा हूँ सो, सोचा था कि कर्मचारियों में बुद्धि नहीं होती लेकिन जब सारा विचार किया गया तब उन्होंने पाया कि ये तो उनको ठगा गया दस साल से लेकर पच्चीस साल के बीच में जो कर्मचारी है उसको अनुपातिक पेंशन का लाभ भी होगा पच्चीस साल और उसके बाद ही लेकिन उसका जो दस परसेंट हर महीना कट रहा है तो तो मिल ही नहीं रहा तो ओल्ड पेंशन सिस्टम में पचास परसेंट सैलरी का तो मिलता ही था पेंशन तो ये जो एडिशनल जो पैसा उसका कार्पस में गया सरकार के खजाने में गया ये इसका हिसाब किताब तो नहीं बता रहे हैं। तो तो मैं कहता कि मूर्ख बनाने का कार्य किया। कांग्रेस uh, In पॉलिटिक्स इज अबाउट मेकिंग pension हाउ इज replaced द ओल्ड पेंशन स्कीम scheme, it न्यू पेंशन स्कीम इट All अक्रॉस and ऑल पार्टीज एंड it. It's not as if only the BJP governments did it. But the Congress Party is incorrectly calling it a U-turn because this is about implementing what has been a long-standing demand, bringing in a UPS. The larger question remains that the Congress party has no locus to actually make these allegations because when OROP was there, they never did anything. When their government was there for 10 years, also UPS <laughs> NPS.